बलदेवराज शर्मा जी को जो पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप भोले भाले बारीदारों को बार बार बेवकूफ बनाते जा रहे हो, क्यों उनका मजाक लेते जा रहे हो? फारूक अब्दुल्ला साहब असेंबली में बिल लाना चाहते थे बारीदारों लेकर, तो तब श्री बलदेवराज शर्मा जी ने ही विरोध किया था और इनकी पार्टी ने ही विरोध किया था। ये जो 2024 का संकल्प पत्र है इसमें मेन में तो 25 पॉइंट में कहीं बारीदारों का जिक्र नहीं है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खासकर भाजपा से कि अगर आप बारीदारों के हित में खड़े रहना चाहते हो तो कृपा करके भाजपा अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे और बारीदारों का समर्थन करे, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। बलदेवराज शर्मा जी की जो पोजीशन है वो सारे लोग जानते हो, क्योंकि जितने भी उनका पार्टी का कैडर है वो सिर्फ दिखावे के लिए इनके साथ चल रहा है, वरना जितना विरोध इनकी टिकट का हुआ शायद इतना जम्मू कश्मीर में किसी टिकट का विरोध नहीं हुआ। तो अगर भाजपा को इतनी चिंता है बारीदारों की, तो क्यों भाजपा ने आज तक किसी बारीदार को टिकट नहीं दी? बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि भाजपा द्वारा जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि भाजपा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बारीदारों का मुद्दा रखा है और उसे लेकर बलदेवराज शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं आपके माध्यम से भाजपा को और बलदेवराज शर्मा जी को पूछना चाहता हूं कि आपका संकल्प पत्र जो मेन जिसमें 25 पॉइंट हैं, ये जो 2024 का संकल्प पत्र है इसमें मेन में तो 25 पॉइंट में कहीं बारीदारों का जिक्र नहीं है। कहीं बीच में होगा उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं बलदेवराज शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने भी हमें फ़ोन करके बता रही थी कि हमने सब ने संकल्प पत्र में बारीदारों का मुद्दा रखा है, तो सिर्फ भाजपा ही ऐसी पार्टी नहीं है जिसने बारीदारों को संकल्प पत्र में रखा है। लेकिन मैं भाजपा की कुछ पिछली कारगुजारी बारीदारों को लेकर आपके सामने जनता को बताना चाहता हूँ, बारीदारों को बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब शुरुआत में जब फारूक अब्दुल्ला साहब असेंबली में बिल लाना चाहते थे बारीदारों लेकर, तो तब श्री बलदेवराज शर्मा जी ने ही विरोध किया था और इनकी पार्टी ने ही विरोध किया था। और उसके बाद जब दोबारा हमने हमारे यहाँ पे डीडीसी जो चेयरमैन है शराब सिंह नाग जी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हाउस के अंदर डीडीसी काउंसिल में जो पास करवाया था, हालांकि उसमें बारीदारों का कोई नुमाइंदा नहीं था डीडीसी, लेकिन फिर भी उन्होंने हाउस में भी ये पास करवाया था कि बारीदारों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने वो पास करके जूनियर होम मिनिस्ट्री को भेजा, जहाँ एलजी साहब को भेजा, जो कि इन्होंने मीडिया में भी बताया था, तो वो भेजने के बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमें इसे वेरीफाई करने के लिए जब हमने पार्लियामेंट में एक सवाल हमारे सांसद द्वारा लगाया गया, तो उसमें हमें जो जवाब मिला था, मैंने कई बार मीडिया को ये बताया कि उसमें सरकार ने ये माना है, मेरे पास ये जवाब की कॉपी है, एमओएस होम नित्यानंद राय जी ये बता रहे हैं कि हमारे नोटिस में ऐसा कोई भी मसला नहीं है। और हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी जो जानकारी प्राप्त की है उससे भी हमें ये पता चला है कि ऐसा कोई भी मुद्दा हमारे नोटिस में नहीं है। तो मैं ये बलदेवराज शर्मा जी को ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप भोले भाले बारीदारों को बार बार बेवकूफ बनाते जा रहे हो, क्यों उनका मजाक लेते जा रहे हो? तो दूसरी बात यह है कि संकल्प पत्र से कुछ नहीं होता। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 की इलेक्शन में बोल दिया था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल करेंगे अगर इनकी सरकार बनती है, तो जब इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, बारीदारों का एक डेलीगेशन इनके सेंट्रल ऑफिस जो जम्मू में है वहां पे जाकर मिला, और जब वहां पे संगठन मंत्री इनके और जो इनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के और इनके सीनियर जितने भी लीडर वहां पे बैठे थे, सबसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा इसी असेंबली सेशन में हम बिल लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से फिर वो बिल भी नहीं आया और बार बार बारीदारों से धोखा किया गया। अब रही बात राजनीति की, बलदेवराज शर्मा जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब जो मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज किया उसमें लोकल मुद्दे भी कहीं टच नहीं है, सिर्फ बारीदारों के मुद्दे को ही टच किया गया। कटरा के और भी बहुत सारे ऐसे इशू थे, जैसे रोपवे को लेकर इशू था, श्राइन बोर्ड को लेकर इशू था, लोकल लोगों को श्राइन बोर्ड में नौकरियां नहीं मिलने का इशू था, घोड़े वालों का इशू था, तो किसी भी इशू को इन्होंने टच नहीं किया, सिर्फ बारीदारों के एक इशू को, इसलिए कि बारीदार एक बार फिर इनके झांसे में आकर इनको वोट दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारीदार अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, बारीदारों ने एक मन बनाया कि बारीदार अपना एक नुमाइंदा इस बार खड़ा करेंगे, और जो कि एक इस समय बिल्कुल प्रचार में है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बलदेवराज शर्मा जी ने एक बारीदारों से अपील की है कि हमने ये संकल्प पत्र में लाया है और बारीदार जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है जो बारीदारों ने उसको विड्रॉ कर ले। मैं बलदेवराज शर्मा जी से ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर
आप ये कहते हो कि बारीदार अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लें, वापस कर लें, तो इस समय बलदेवराज शर्मा जी की जो पोजीशन है वो सारे लोग जानते हो, क्योंकि जितने भी उनका पार्टी का कैडर है वो सिर्फ दिखावे के लिए इनके साथ चल रहा है, वरना जितना विरोध इनकी टिकट का हुआ शायद इतना जम्मू कश्मीर में किसी टिकट का विरोध नहीं हुआ। तो इनकी पार्टी खुद बन चुकी है, इनके साथ पार्टी का कैडर भी नहीं खड़ा है। तो मैं इनसे ये इनकी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर भाजपा से, कि अगर आप बारीदारों के हित में खड़े रहना चाहते हो तो कृपा करके भाजपा अपना कैंडिडेट विड्रा कर रहे और बारीदारों का समर्थन करे, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। अगर भाजपा को इतनी चिंता है बारीदारों की तो क्यों भाजपा ने आज तक किसी बारीदार को टिकट नहीं दी? देखिए, बारीदार संघर्ष कमेटी ने जब ये इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया था तो उसमें मेन फोकस ये था कि बारीदार अपने मुद्दे के लिए लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुद्दा जहाँ पे सिर्फ बारीदार नहीं है, बारीदार एक मुद्दा हो सकता है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे जहाँ पे वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, बारीदार एक मुख्य मुद्दा है लेकिन उसके साथ साथ कटरा में बेरोजगारी का मुद्दा, कटरा में पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, जैसे कि बलदेवराज शर्मा जी ने सिर्फ कटरा का जिक्र किया था कि कटरा में बिजली की किल्लत है, मैं बलदेवराज शर्मा जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि बोट गाँव में भी है और वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे गांव में बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत है और वहां पे कंटेनमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे, श्राइन बोर्ड में जहाँ पे लोकल लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को मुलाजमत दी जा रही है, जहाँ पे घोड़े वाले जो जहाँ पे घोड़ा चलाते हैं वो लोकल वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, और कटरा के बिजनेस को जो श्राइन बोर्ड तबाह करता जा रहा है, और सीधा बलदेवराज शर्मा जी हर वक्त श्राइन बोर्ड को डिफेंड करते जाते हैं, श्राइन बोर्ड को ही सपोर्ट करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है।